पात्री गांव के ग्रामस्थों ने कोविड उपचार केंद्र स्थापित कर औरों के सामने एक आदर्श निर्माण किया है। करीब 10,000 जनसंख्या के पात्री ग्राम पंचायत ने स्वबल पर 50 बेड का कोविड केंद्र स्थापित कर आदर्श निर्माण किया है। अपने आसपास बढ़ने वाले कोविड मरीजों से ग्रामस्थ अस्वस्थ हुए थे। सावली तहसील में गढ़चिरौली जिले की सीमा पर स्थित पात्री गांव बढ़ रही रुग्ण संख्या से चिंतित था। ऐसा होकर तहसील के स्थान उपचार केंद्र में जाने के लिए भी इनकार किया जाता था। गांव में प्राथमिक आरोग्य केंद्र की कम क्षमता को ध्यान में लेते हुए जल्द से जल्द इस बारे में निर्णय लेने की जरूरत थी। तभी ग्रामस्थ, ग्राम पंचायत और गांव के युवा एक साथ आए और उन्होंने जिस जिला परिषद स्कूल का अध्यापन बंद है, ऐसे स्कूल को कोविड उपचार केंद्र के लिए उपयोग में लाया और वहां पर कोविड उपचार केंद्र स्थापित किया। वहां बेड, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और अन्य वैद्यकीय सामग्री की सुविधा की। इतना ही नहीं तो प्राथमिक आरोग्य केंद्र के शासकीय सेवा के डॉक्टरों ने यहां के उपचार के लिए सहकार्य करने का ठहराया। दूसरी लहर में मरीजों में वृद्धि जरूर हो रही है, फिर भी कोविड केंद्र कम होने से उपचार में होने वाली लापरवाही केवल समाज की निर्धार से ही समर्थ रूप से दूर हुई। इस समय क्वारंटाइन केंद्र के संयोजक प्रफुल्ल कुंभे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये परिसर तथा स्थानिक पात्री मध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढत होते आणि त्या रुग्णांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी अडचण निर्माण होत होती आणि त्यात मग आम्हाला कल्पना सुचली की समजा याच ठिकाणी पाथरीमध्ये जर कोविड सेंटर निर्माण केलं तर स्थानिक तथा परिसरातील लोकांना अडचण निर्माण होणार नाही। या उद्देशानं स्थानिक लोकांच्या सहभागातून तथा पाथरी तालुका निर्माण संघर्ष कृती समिती आणि ग्रामपंचायत कार्यालय पाथरी यांच्या पुढाकारातून या ठिकाणी जिल्हा परिषद हायस्कूल पाथरी येथे कोविड सेंटर निर्माण केलेलं आहे। दुसरी लाट जरी ओसरली असली तरी तिसरी लाट भयानक येण्याची शक्यता आहे आणि समजा ग्रामीण भागामध्ये जर अशा कोविड सेंटर निर्माण केले तर रुग्णांना सुद्धा चांगली सोयीसुविधा उपलब्ध होईल आणि नागरिकांना अडचण निर्माण होणार नाही। तो वही प्राथमिक आरोग्य केंद्र पात्री के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सायली शेंडे ने भी इस समय अपनी प्रतिक्रिया दी। इथे आमच्याकडे सर बरेच आधी कोविड पॉझिटिव निघालेले पेशंट, बट कसं त्यांना सावलीला जायला कोणी म्हणजे नकारत होते, त्याच्यामुळे मग आपले सरपंच मॅडम आणि उपसरपंच सर यांनी मिळून तिकडे तहसीलदाराकडे मागणी केली की आपल्या इथे पण कोविड सेंटर, आयसोलेशन सेंटर खोलून इथे म्हणजे लोकांना आपल्याकडनं जितकं पॉसिबल होईल त्याप्रकारे आपण त्याची ट्रीटमेंट करून अशा प्रकारे आपण त्यांना सहकार्य करू शकतो। म्हणजे कसं पेशंट सावलीला जायला घाबरतात, त्याच्यामुळे आपण पेशंटला इथेच ठेवून त्यांची ट्रीटमेंट योग्य रीतीने करून त्यांना आपण घरी पाठवतो। इस केंद्र से केवल 20 दिन में 40 बाधित ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। पाथरी जैसे गांव ने दिखाया एकता का मार्ग राज्य के अन्य ग्राम पंचायत के लिए प्रेरणादायक ठहरा है।